सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू पेंटेक। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही शानदार एक 2-in-1 गैजेट। तो बात दो, इसको आप एक पावर बैंक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो और एक लिथियम आयन बैटरी का चार्जर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इससे आप कोई भी लिथियम आयन सेल को आसानी से चार्ज कर सकते हो, क्योंकि इसका बैटरी को मैंने रिमूवेबल बनाया है, तो आप जब चाहे निकाल या लगा सकते हो। तो ये गैजेट हमारे लिए साथ में बहुत ही काम का है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, तो लास्ट तक बने रहे। तो दोस्तों ये लिथियम आयन बैटरी का चार्जर है जो मैंने कुछ दिन पहले इस चैनल पर ही बनाया था, और ये किसी भी लिथियम आयन बैटरी को बहुत ही आसानी से 100% सेफली चार्ज कर सकता है, और यहाँ पर किसी भी लिथियम आयन सेल इस तरह से बहुत ही आसानी से फिट भी हो जाता है। और आप लोग देख सकते हो इस होल्डर को हमने बनाया पीवीसी पाइप का सीट से। तो अभी आप लोग सोच रहे हो इस वीडियो में हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के इस प्रोजेक्ट में इसी केस होल्डर को यूज करने वाला है। दोबारा ऐसे एक बना के आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं, और आप लोग इसे आई बटन और डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हो इसको कैसे बना है। वैसे ये बहुत ही सिंपल है, देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा शायद। तो चलिए फिर इसको ओपन करके सारे सर्किट वगैरह निकाल देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो इसके अंदर का सब कुछ मैंने निकाल दिया। तो अब हम इसको वाले एक छोटा सा पावर बैंक का मॉड्यूल, ये एक 1 पोर्ट का पावर बैंक का मॉड्यूल है, और यहाँ पर दोनों यूएसबी भी है। तो ये बैटरी को भी बहुत आसानी से चार्ज कर सकता है और किसी भी मोबाइल को भी बहुत आसानी से चार्ज कर सकता है। और ये मॉड्यूल आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से 50 रुपए के आसपास में मिल जाएगा, और साथ में ऑनलाइन बैग लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आपको मार्केट में नहीं मिला तो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। और ये दो टुकड़े हम कवर करने के लिए लिया, और इसका मेजरमेंट देख सकते हो ऊपर लिख दिया। तो अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से फिट करने वाले, तो चलिए इसके हिसाब से यहाँ पर कट कर लेते हैं, और पहले इस तरह से चारों तरफ मार्क भी कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर बात दो, इसका कनेक्शन बहुत ही आसान है। बोर्ड पर जहाँ पर B- लिखा है वहाँ पर ब्लू वायर को, और जहाँ पर B+ लिखा है वहाँ पर रेड वायर को सेल्डिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो भी मिस ना हो। तो फ्रेंड देख सकते हो अभी हमारा गैजेट पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसको अच्छी तरह से टेस्ट करके दिखा देती हूँ। तो देख सकते हो चार्ज होना स्टार्ट हो गया, और ये हमारा गैजेट पूरी तरह से 100% वर्क कर रहा है। और इससे एक और फायदा है, अगर आपका बैटरी का चार्ज खत्म हो गया तो आप दूसरे एक बैटरी को लगाकर फोन को फिर से चार्ज कर सकते हो, इसी तरह से बैटरी को भी चार्ज कर सकते हो। तो चलिए एक बार इसको भी चार्ज करके दिखा देते हैं। तो देख सकते हो रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है, चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो दोबारा देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।